भक्तों का प्रसाद पेड़ा छीन के खा रहा है। वो जो लड़की आप लोग देख रहे हैं ना, उनके हाथों से छीन के खा रहा है। एसएमएस एक्टिंग का जाना माना चेहरा बिहार बारी आउटपोस्ट के केकेदा। यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर दूर पैदल चल के मेरा पूरा हो चुका मंदिर दर्शन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पे। मैं आज आया हूँ वशिष्ठ मंदिर पे। एक्चुअली सुबह से बारिश दे रहा था और इस साइड पे फूल और प्रसाद के दुकान। अभी करीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, उस वजह से मंदिर में थोड़ा चहल पहल कम है। और घुसते ही हमें दिख गए बानरों के सेना में से ये 2 बानर। यहाँ पे एक्चुअली बहुत बानर है। और मंदिर का गेट सामने से कुछ ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। और इधर है आपका बैठने के लिए सीढ़ियाँ और ये कुछ बानर है। तो चलिए आगे चलते हैं। और मैंने चप्पल वगैरह काउंटर पर जमा करके मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना चालू कर दिया। और ये छुटकू सा बानर मुझे देख के डर रहा है एक्चुअली, ये देख सकते हैं, बहुत छोटा सा है। और यहाँ के छोटे बानर ही डरते हैं बस, और बड़े बानर एकदम नहीं डरते। और लड़कियों से तो 1% भी नहीं डरते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, तो चलिए अंदर चलते हैं। और अंदर आते ही आपको यहाँ पे शिव जी का दर्शन हो जाएगा। और यहाँ चारों ओर शिव जी ही शिव जी है। और यहाँ पे लोग दिया वगैरह जलाते हैं। और मैं आया था वो जो आप स्ट्रेट देख रहे हैं वो वाला गेट से। और ये जगह है मंदिर के अंदर साइड, ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली 2 मंदिर है, एक ये वाला है और एक नीचे है, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और मंदिर के अंदर का कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं। और ये मंदिर ना करीबन 250 से 300 साल पुराना है, बस कुछ कुछ रेनोवेट किया है अंदर। और मैं ना आप लोगों को इस मंदिर का अंदर का नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और ये मंदिर कुछ बाहर से ऐसा दिखता है। और आप लोगों को जो ये झिरझिर का आवाज़ सुनाई दे रहा है, एक्चुअली मंदिर के पीछे से पानी की धाराएँ बह रही है। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को पानी की धाराएँ दिखाता हूँ। और दूसरे साइड के मंदिर के लिए इसी साइड से जाना पड़ता है। और उसी मंदिर पर आपका जिनके नाम पर मंदिर है वशिष्ठ मुनि जी, उनका मूर्ति रखा हुआ है। और मंदिर के लिए इन सीढ़ियों से होके जाना पड़ता है, ये देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ उतरने हमें। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को धारा दिखा देता हूँ। धाराओं से अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं आ रहा एक्चुअली, बारिश देने से बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पे जितना भी पानी आता है ना, वो पहाड़ों के बीच से आता है। और यहाँ से जल उठा के शिव जी को चढ़ाया जाता है एक्चुअली। और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, और हर एक सोमवार के रात को 12 बजे यहाँ से लोग जल भर के यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर दूर पैदल चल के शुक्लेश्वर मंदिर पे जल चढ़ाते हैं लोग। और यहाँ पे रविवार के रात को हजार हजार लोग भीड़ हो जाते हैं। और रात के 12 बजते ही स्नान करके जल लेके रात भर पैदल चलते हैं और सुबह मंदिर में चढ़ाते हैं, जैसे बाबा धाम में लोग जाते हैं वैसे ही। और ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली बारिश जब देता है बहुत ज़्यादा, ये सब सारा पानी से फुल हो जाता है पूरा। और दूसरा वाला मंदिर ये यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा वाला भी मंदिर दर्शन कर लेते हैं। मुझे इन सीढ़ियों से नीचे उतर के जाना है एक्चुअली, अगर हो सके ना तो मैं यहाँ पे रविवार को रात को आके वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे हजार हजार लोग आते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और मैं ना शुक्लेश्वर मंदिर का भी वीडियो बनाया था, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकेंगे, यहाँ से जल ले जाके कहाँ पे चढ़ाते हैं वो वाला मंदिर। तो फाइनली हम पहुँच गए दूसरे वाले मंदिर। और मंदिर यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं, ये देख सकते हैं पुजारी जी पूजा के लिए कुछ रेडी कर रहे हैं। तो ये रहा मंदिर का कुछ अंदर का। और इस साइड पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, इस साइड पे है वशिष्ठ मुनि जी की मूर्ति। तो चलिए यहाँ पे माथा टेक लेते हैं और अंदर चलते हैं। और मैं आ गया मंदिर के अंदर और पंडित जी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा और मैंने भी अच्छी तरीके से माथा टेका भगवान के आगे। और पंडित जी ने मुझे सुंदर से एक टीका लगा दिया, जो दक्षिणा देना था मैंने दे दिया पंडित जी को। मेरा पूरा हो चुका मंदिर दर्शन। अभी बारी है बानर सेना को कुछ खिलाने का। और अभी धूप भी अच्छी तरीके से निकल चुका है बारिश के बाद। ये देखिए इधर बानर भक्तों का प्रसाद पेड़ा छीन के खा रहा है। वो जो लड़की आप लोग देख रहे हैं ना, उनके हाथों से छीन के खा रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था ना, लड़कियों से 1% भी नहीं डरता है। और उसी बीच मुझे दिख गया एसएमएस एक्टिंग का जाना माना चेहरा बिहार बारी आउटपोस्ट के केकेदा। उनके साथ लोग फोटो ले रहे थे तो मैंने भी 1-2 ले लिया। उसके बाद मैंने आया केला खरीदने बानरों के लिए, लेकिन भैया ने बोला केला तो अभी पका नहीं है, आप बिस्किट ले जाओ। केला पका नहीं था उस वजह से मुझे बिस्किट लाना पड़ा। बानरों के साथ मैंने बकरी को भी बिस्किट ही खिलाया। और आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे बानर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बारिश कम चुका है, बानर जहाँ भी बैठा था अभी बाहर निकल रहा है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।